Good evening, all of you. This is Praveen Patwari from Actuators Kolkata, and this video I am recording to give you all a helicopter view of CM1 Actuarial Mathematics, which is considered to be the most important paper of the first stage. And it will be a very short video, and मैं आप लोग को जल्दी जल्दी से टॉपिक्स का एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको ये समझ में आए आज के क्लास में कि हम लोग CM1 में पढ़ने क्या वाले हैं. मैंने एक नोट बनाया है. सबसे पहले अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोज हु हैव जॉइंड अस फॉर द अप्रैल 2021 एंड जून 2021 टर्म. ओके, सो CM1 एक्चुअल मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पेपर ए एंड पेपर बी. सो पेपर ए इज 100 मार्क्स एंड पेपर बी इज ऑल्सो 100 मार्क्स. So both the papers are of 100 marks. Paper A जो है वो written होता है and paper B जो है वो Excel based exam होता है and that is also of 100 marks. जो paper B है वो घर से होता है. इस time क्या हुआ था कि दोनों paper A as well as paper B ये दोनों ही exams घर से हुए थे. बट जनरली जो पेपर ए होता है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे होता है एंड जो पेपर बी होता है वो घर से होता है. सो पेपर ए इज 3 hour 15 मिनट्स एग्जाम एंड पेपर बी इज 1 hour 45 मिनट्स एग्जाम. ओके, द वेटेज ऑफ पेपर ए इज 70% एंड द वेटेज ऑफ पेपर बी इज 30%. लेट्स डू अ फॉर्मल कैलकुलेशन. लेट्स से सपोज मेरा पेपर ए में आता है 70, तो उसका 70% काउंट किया जाएगा एंड पेपर बी में आता है 80. पेपर बी में अगर मेरा आता है 80 तो उसका 30% लिया जाएगा एंड देन आई विल लैंड अप टू अ वेटेड एवरेज स्कोर. ठीक है, ओके. सो सर बताइए CM1 में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या. CM1 कंसिस्ट ऑफ बैंकिंग, फाइनेंस एंड द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर. तो चलिए हम लोग टॉपिक्स का एक एक करके ओवरव्यू लेते हैं. मैंने बना रखा है, लाइक आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट टूडेज क्लास. सो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आज मैंने अगर किसी को 10,000 रुपीज दिया है एंड 2 साल के बाद में वो मेरे को 12,000 रुपीज अगर रिटर्न करेगा तो ही इज पेइंग मी 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा. ये जो 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा है ये किस चीज का है? दिस इज ड्यू टू द इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है, बिकॉज वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस ओवर टाइम. ओके, ड्यू टू इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक रीजंस, दैट विल स्टडी इन डेप्थ इन द टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी. 10 साल पहले जो पैसे का वैल्यू था क्या आज भी पैसे का वैल्यू उतना ही है? नहीं. ठीक है, ओके. सो द फर्स्ट टॉपिक इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आप फाइनेंस का कोई भी कोर्स करिए, कोई भी कोर्स, आपको इससे होकर गुजरना ही पड़ेगा. ठीक है, ये बहुत ही अच्छा बात है कि इस कोर्स में इस टॉपिक को बहुत ही रेस्पेक्ट दिया गया है. ओके, बाय रेस्पेक्ट आई मीन द डेप्थ कवर्ड इज वेरी गुड. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट्स. हम लोग इंटरेस्ट रेट्स में क्या पढ़ेंगे? आप जब बैंक में जाते हो तो आप ये देखते हो कि जो प्रोडक्ट्स है वो ईयरली भी है, वो हाफ ईयरली भी होते हैं, वो क्वार्टरली भी होते हैं, वो मंथली भी होते हैं. तो जनरली मैं बोलता हूं अगर मान लीजिए 6% पर एनम इज माय रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये तो एक साल का रेट हुआ ना. व्हाट इफ मेरे को 3 महीने का रेट चाहिए? व्हाट इफ मेरे को 1 महीने का रेट चाहिए? व्हाट इफ मेरे को 15 दिन का रेट चाहिए? तो उसी लिए हम लोग यूज करेंगे इंटरेस्ट रेट्स का कन्वर्जन फॉर्मूलास का. स्टॉक मार्केट्स, द स्टॉक प्राइस चेंजेस एवरी सेकेंड, द स्टॉक प्राइस चेंजेस एवरी सेकेंड, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग या फिर फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, सो
इंटरेस्ट रेट्स, लाइक अगर मान लीजिए मेरे को 6% पर एनम का रेट दिया है, मेरे को बोला है कि एक क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट या फिर डिस्काउंट रेट निकाल के दिखाओ, तो वो हम लोग इंटरेस्ट रेट्स में सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पेमेंट स्ट्रीम। व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट स्ट्रीम? एक सिंगल कैश फ्लो नहीं हो रहा है, एक्सट्रीम ऑफ कैश फ्लोज हो रहा है, एक्सट्रीम ऑफ कैश फ्लोज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूअस कैश फ्लोज हो रहे हैं, कंटिन्यूअस कैश फ्लोज हो रहे हैं। हर दिन मेरे को 100 रुपया जमा करना है, हर घंटे मेरे को 100 रुपया जमा करना है, तो कंटिन्यूअस कैश फ्लोज। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली, लाइक इस पे हम लोग को ज्यादा करके फोकस करना है। वैसे तो शुरू के जो टॉपिक्स है, लाइक अगर मैं बात करूं जो आपके फ्रेम में आ रहे हैं, लाइक जो भी आपके फ्रेम में आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स, ये सब आपका बेस बनाएंगे। इन सब को किए बिना कोई CM1 पास नहीं हो सकता है, इन सब से ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग आगे अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो पेमेंट स्ट्रीम जैसे जनरली इसमें कंटिन्यूअस कैश फ्लोस पे मेरा फोकस रहेगा, तो जो कंटिन्यूअस कैश फ्लोस है उसको कैसे डील करना है, कि एक सिंगल कैश फ्लो नहीं हो रहा है, देयर आर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोस पेड कंटिन्यूअसली। एंड जैसे मैं आपको बोलूं, लाइक एक मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, लाइक जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूं कि टाइम 0 पे 100 रुपए का पेमेंट हो रहा है, टाइम 1 पे 100 रुपए का पेमेंट हो रहा है, टाइम 2 पे भी 100 रुपए का पेमेंट हो रहा है। तो यहां पर आपको टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज पता है, लेकिन मैं आपको ये बोलूं कंटिन्यूअस कैश फ्लोज हो रहा है, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज अननोन, लाइक इट इज अनसर्टेन, टी टाइम टी पे कैश फ्लोज हो रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस कैश फ्लोज हो रहे हैं, एंड जैसे यहां पर मैंने बोला ना कि टाइम 0 पे हो रहा है, टाइम 1 पे हो रहा है, वैसा नहीं है, कंटिन्यूअस मैं बोल रहा हूं 0 से 1 के बीच में कैश फ्लोज हो रहे हैं, 1 से 2 के बीच में कैश फ्लोज हो रहे हैं, एंड एक नहीं अनेक कैश फ्लोज हो रहे हैं, तो उसको कैसे डील करना है। सो दैट इज वाई पेमेंट स्ट्रीम, एक स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज हो रहा है। ठीक है, लाइक बीइंग वेरी ऑनेस्ट, पूरा CM1 में, पूरा जो CM1 है ना, जनरली मैंने जो देखा है पूरा CM1 में सिर्फ दो चीज चल रहा होता है, एक होता है पैसे को आगे लेके जाना, विच इज कंपाउंडिंग। आज मैंने बैंक में पैसा जमा किया, उसका फ्यूचर वैल्यू, अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाली है, मैंने हर महीने 100-100 रुपए जमा किए, उसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालिए। और एक होता है टाइम 10 पे, मतलब आज से 10 साल के बाद में मेरे को शादी करनी है, आज से 10 साल के बाद में मेरे को MBA करने जाना है फॉरेन में, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना, दैट इज डिस्काउंटिंग। तो एक होता है आज मैंने 1,000 रुपए बैंक में जमा किया, 10 साल बाद उसका क्या वैल्यू होगा, दिस इज कंपाउंडिंग। एंड 10 साल के बाद में मेरे को अपने फर्दर स्टडीज के लिए 1,00,000 रुपए चाहिए होगा, तो बताओ आज बैंक में कितना जमा करें, आज बैंक में कितना जमा करें ताकि 10 साल के बाद में मेरे को 1,00,000 रुपए बैंक दे, एंड मैं अपना पढ़ाई फर्दर स्टडीज कर पाऊं, या फिर जो भी मेरा ऑब्लिगेशन है उसको मीट कर पाऊं। तो पहले वाला था कंपाउंडिंग एंड दूसरे वाला है डिस्काउंटिंग। 1,00,000 रुपए को टान के लेके आ रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू में, आज के टाइम पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, ओके। एनविटीज, एनविटी इज अ रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर देखिए ये वाला जो है, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मैंने आपको बोला कि 0 पे पेमेंट हो रहा है, 1 पे पेमेंट हो रहा है, 2 पे पेमेंट हो रहा है, देखिए एक एक साल के बाद में पेमेंट हो रहा है, एंड सेम अमाउंट का पेमेंट हो रहा है। सेम अमाउंट का मतलब क्या होता है, लेवल। सेम अमाउंट का मतलब क्या होता है, लेवल। सेम, एक होता है 100, 150, 200, इंक्रीजिंग, एक होता है 200, 150, 100, लाइक 200, 150 एंड 100 फॉर द कॉन्वेंट पीपल, पीपल फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल्स। सो 200, 150 एंड 100, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको अभी डिस्कस करता हूं, 500, 1,000, 1,500। तो यहां पर देखिए एक अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, अमाउंट से इंक्रीज होने का मतलब क्या है सर, प्लस 500, एक अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैं आपको यह बोलूं कि आज मैं 500 दूंगा,
एक साल बाद मैं इसका 4% ज्यादा दूंगा, मतलब 1.04। समझ में आया? मैं बोल रहा हूं आज मैं 500 दूंगा एंड हर साल मेरा जो पेमेंट है वो 4% से बढ़ जाएगा। तो 4% एक रेट से बढ़ना या फिर एक रेट से गिरना। तो एनविटीज में वी आर डीलिंग विद टू काइंड ऑफ स्टफ, वन इज लेवल एनविटीज समान, वन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनविटीज, जहां पर इंक्रीज या फिर डिक्रीज एक सेम अमाउंट से हो रहा है या फिर एक रेट से हो रहा है। रेट का मतलब है 4%, रेट का मतलब है 4%, 6%। ओके, एनविटी इज अ रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट, फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स पे होता है। ऐसा नहीं कि एनुअल होता है, हर महीना हो सकता है, हर हफ्ते हो सकता है, हर क्वार्टर हो सकता है, कंटिन्यूअसली भी हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इक्वेशन ऑफ वैल्यू। इक्वेशन ऑफ वैल्यू, इक्वेशन ऑफ वैल्यू का मतलब पता है क्या है? इक्वेशन ऑफ वैल्यू का मतलब पता है क्या है? आपने मेरे को 25,000 पे किया बिकॉज आपको लगता है कि आज आप ये 25,000 रुपए दे के जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो उसका फ्यूचर में उतना बेनिफिट है। ठीक है, आपको लगता है कि आज आपने जो मेरे को 25,000 दिया है इसका फ्यूचर में मेरे को उतना बेनिफिट्स मिलेंगे। सो इक्वेशन ऑफ वैल्यू एकदम सेम बोलता है क्या, एकदम सिंपल सी चीज बोलता है। बोलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। मतलब आज मैंने जितना दिया, ठीक है, एंड फ्यूचर में मेरे को से जो भी कुछ मिलेगा उन सबका प्रेजेंट वैल्यू दोनों सेम होंगे। ये बोलता है इक्वेशन ऑफ वैल्यू। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, मैं बोलता हूं बैंक को मैंने 1,00,000 रुपए आज दिया। मैं टाइमलाइन बना के आपको समझाता हूं, दिस इज जीरो माइनस। बैंक को मैंने आज 1,00,000 रुपए दिया और बैंक क्या कर रहा है देखिए, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे। तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक हर टाइम पीरियड माने हर एक साल के बाद में मेरे को 25,000 दे रहा है, मेरे को 25,000 दे रहा है, मेरे को 25,000 दे रहा है, मेरे को 25,000 दे रहा है। तो बैंक ने मेरे को 1,25,000 रुपए दिया लेकिन मैंने बैंक को कितना दिया, 1,00,000। तो क्या दोनों सेम हुआ? नहीं। इक्वेशन ऑफ वैल्यू क्या बोल रहा है? प्रेजेंट, अटक गए ना आप लोग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ये चीज सेम होना चाहिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, दो चीज जिसको समझ में आ जाए उसके लिए CM1 तैरेगा, क्योंकि सिर्फ दो ही चीज है, तानना, तानने का मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, और एक फ्यूचर में लेके जाना। तो फ्यूचर में लेके जाने का मतलब क्या है, अक्यूमुलेशन। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो टाइम वन पे मेरे को मिलेगा ना 25,000, इसको मैं टान के यहां पर रहूंगा, मतलब मैं इसको डिस्काउंट करूंगा, पुल बैक करूंगा 1 साल। ये जो टाइम टू पे 25,000 मिलेगा ना, इसको मैं पुल बैक करूंगा 2 साल। ये जो टाइम थ्री पे मिलेगा ना, इसको मैं पुल बैक करूंगा बेटे 3 साल। ये जो टाइम फाइव पे मिलेगा ना, इसको भी पुल बैक करेंगे 5 साल, और इसको भी करेंगे। ठीक है, ओके। सो इक्वेशन ऑफ वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट लोन स्केड्यूल। लोन स्केड्यूल वेरी 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 रेलेवेंट टू द रियल लाइफ, एंड इसका जब आप लोग एक्सेल में इंप्लीमेंटेशन सीखेंगे ना तो आप लोग को कितना अच्छा फील होगा। मान लीजिए घर में कुछ बात चल रहा है, लोन वगैरह का बात चल रहा है, जैसे अपने होता है मेरे मारवाड़ी फैमिली में होता है ना कि घर में लोन वगैरह कुछ बात चल रहा है, तो आप लोग बोल सकते हैं थे रुक जाओ पापा, थे रुक जाओ, मा 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 कर दू मा कर दू। तो अपने इस तरीके से फिर अपना पढ़ाई का यूज कर पाएंगे वहीं पर, पापा आप रुक जाइए, मैंने ये सर ने ये सिखाया है तो मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितना टेन्योर रहेगा एंड कौन सा बेटर ऑप्शन है, EMI ज्यादा, टेन्योर कम एंड ऑल।
like I can do a quick analysis. So I was like, wow. So this is very important, loan schedule. So इसमें हम लोग क्या सीखते हैं पता है? In and out of loan, loan का pricing किस तरीके से होता है? Like for example, मेरा एक home loan है 1.5 करोड़ का, ठीक है? मैं EMI pay करता हूँ 1.5 lakhs per month. So I know the in and out कि अगर मैं prepayment करता हूँ तो उसका क्या होगा? What are the benefits? What are the disadvantages? The tax implications? If I do the prepayment, how to reduce the EMI? How to efficiently pay the EMIs? The planning and the everything regarding loan schedule. कि मेरा हर महीने कितना interest लग रहा है? What is the amount of principal? Like for example, एक छोटा सा आपको example देता हूँ, तब आप लोग और clear हो जाएगा. मैंने 10 लाख का लोन लिया, मैंने 10 लाख का लोन लिया 10% ब्याज पे, तो एक साल का मेरा ब्याज कितना हुआ? 1 लाख. ठीक है, मैंने 10 लाख का लोन लिया 10% पे, तो एक साल का मेरा ब्याज कितना हुआ? 1 लाख. और अगर मैं एक साल के बाद में 5 लाख रुपए चुकाता हूं, 5 लाख, I have made a payment of 5 lakhs to the person from whom I have taken the loan. I am paying the person 5 lakh. तो ये बताना कि इसमें interest का कितना है? And इसमें मेरा principal, this is the principal loan amount. मेरा principal कितना चुका? मेरा principal 4 lakh चुका. मेरा जो principal है वो 4 lakh चुका. तो आफ्टर वन ईयर व्हाट इज द लोन आउटस्टैंडिंग, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा अगर आप लोगों को समझ में आया है तो. व्हाट इज द लोन आउटस्टैंडिंग आफ्टर टाइम वन, इज इट 5 लाख्स और इज इट 6 लाख्स? द आंसर इज 6 लाख्स. आई होप सबको समझ में आ रहा है. तो बैंक तो सबसे पहले अपना ब्याज काटेगा ना, ब्याज काटेगा सबसे पहले, इंटरेस्ट सबसे पहले काटेगा. और जो बचा कुछ है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ईएमआई जाता है 1.5 लाख्स का पर मंथ, मैं आपको एकदम रियल बता रहा हूं, इसमें इंटरेस्ट का है करीब करीब 1,25,000 से 1,30,000 पर मंथ. एंड जो बैलेंस है दैट इज माय प्रिंसिपल रिपेमेंट. प्रिंसिपल रिपेमेंट का मतलब जो मैंने लोन लिया है बैंक से घर लेने के लिए 1.5 करोड़ का, ठीक है, माने अगर मैं बैंक को 1.5 लाख रुपए देता हूं तो मेरा लोन कितने से कम हो रहा पता है? सिर्फ 10,000 है, फिर 15,000, फिर 20,000 से. बाकी सब क्या है? इंटरेस्ट है. बैंक कमाएगा नहीं क्या? बैंक का काम क्या है ये बताइए. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैंक्स? पैसा लेता है, पैसा देता है. बैंक का काम क्या है? लेन देन का काम है. 6%, 4%, 5% में लेता है, 7, 8, 10 अलग अलग थिंग, अलग अलग चीजों का अलग अलग रेट है. लोन देता है, ठीक है, ओके. सो ऑल, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं अभी, एवरीथिंग अबाउट लोन्स, लाइक टू हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर कि लोन्स कैसे क्या होता है, उसका ईएमआई किस तरीके से, वैल्यूएशन. एंड जब हम लोग पढ़ेंगे ना, मैं आपको पूरा एकदम रियल लेके चलूंगा. मैं आपको आपके मैं क्लास में अपने घर के लोन के कागज लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एकदम क्लियर समझ में आए कि कैसे होता है काम रियल लाइफ में, ठीक है, ओके. नेक्स्ट, प्रोजेक्ट अप्रेजल. प्रोजेक्ट अप्रेजल मेरा पर्सनली इट्स माय फेवरेट बिकॉज आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम FRM लेवल 2 कैंडिडेट. सो प्रोजेक्ट अप्रेजल से एक अलग टाइप का मेरा प्यार है बिकॉज काफी अच्छा लगता है ये पढ़ के, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ अप्लाई हो रहा है. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट अप्रेजल? लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. लाइक ऐसा समझिए कि मेरे पास में अभी 3 चीज है. मेरे पास में 500 करोड़ है, अरे सोचता मत ऐसा, मतलब सही में नहीं है, हाइपोथेटिकल 500 करोड़ है. एंड मेरे पास 3 अपॉर्चुनिटीज है. एक है कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम करूं, एक है मैं एजुकेशन में इन्वेस्ट करूं, अपना स्कूल कॉलेज खोलूं, ठीक है, और एक ले लेते हैं आयरन एंड स्टील. आयरन एंड स्टील, तो सब सेक्टर्स का
अपना अलग अलग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होगा, लेकिन इसका जो एंट्री पॉइंट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ मुझे करना पड़ेगा। तो मैं क्या चेक करूंगा? मैं चेक करूंगा कि अगर मैं एजुकेशन में ही रहता हूं, मैं अपना एक यूनिवर्सिटी खोल दिया, मैं अपना एक यूनिवर्सिटी खोल दिया एंड अगर मैं एजुकेशन में ही रहता हूं, मान लेते कि मैं एजुकेशन में ही रहता हूं, तो मेरे एजुकेशन का जो मैंने अपना यूनिवर्सिटी खोला है उससे मेरे क्या कैश फ्लोज आ रहे हैं, उससे मेरे क्या कैश फ्लोज आ रहे हैं, फिर मैं उन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा और फिर मैं अलग अलग पैरामीटर्स में उनको चेक करूंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, विच इज इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू माइनस आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। बहुत सिंपल है, जितना आ रहा है उन सबका प्रेजेंट वैल्यू माइनस जितना गया उसका प्रेजेंट वैल्यू। मैं IRR निकालूंगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब मान लो एजुकेशन इंडस्ट्री मेरे को 25% का रिटर्न दे रहा है, मतलब क्या है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, इट इज द हिडन रेट ऑफ द प्रोजेक्ट, या फिर वो प्रोजेक्ट मेरे को कितना कमा के देगा, प्रोजेक्ट मेरे को कितना कमा के देगा। ठीक है, अच्छा आज जैसे मैं गरीब, ठीक है, 500 करोड़ मेरे पास नहीं है, लेकिन इरादे बहुत बुलंद है मेरे इरादे बहुत बुलंद है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। मैंने बैंक के पास में गया, मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक क्या पैसे फ्री में देगा? ये जो मेरा फंड्स है ना, फंड्स, मैं एक बात आज आप लोगों को बता देता हूं, फंड्स है ना, इस फंड्स का एक कॉस्ट है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो जब मैं प्रोक्योर करूंगा बैंक से या फिर मेरे फ्रेंड से या फिर किसी को पार्टनर बनाऊंगा, तो उसका एक कॉस्ट होगा। एंड इवन इफ मान लेते कि मेरे पास बहुत रुपए है, मैंने पढ़ा पढ़ा के बहुत रुपए कमाए, तो अगर मान लीजिए मेरे पास 500 करोड़ भी है तो भी उसका एक कॉस्ट है, क्योंकि वो पैसे को मैं कहीं और लगा सकता हूँ ना, मार्केट रेट पे मैं किसी को दे सकता हूँ वो पैसा, मैं लेंड कर सकता हूँ ना वो पैसा। तो अगर पैसा आपका खुद का है तो भी उसका एक कॉस्ट है, और अगर पैसा बोरो कर रहे हो तो कॉस्ट है। सर मेरे पापा के पास बहुत रुपए है तो भी उसका कॉस्ट है, नहीं सर बैंकर पैसा है तब कोई अलग बात है, लेकिन जनरली फाइनेंस में यही मान के चलते हैं कि फंड्स का हमेशा एक कॉस्ट हम लोग को लेना पड़ता है, वरना रियल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे ना। मान लेते हैं मैं घर बैठे 500 करोड़ मेरे पास में है, मैं अगर किसी को ले दूं, पैसा लेंड कर दूं, तो मेरे को 12% इंटरेस्ट वो देगा, और अगर मैं कुछ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाता हूं तो उसे सिर्फ मेरे को 8% का रिटर्न आ रहा है, उसे सिर्फ मेरे को 8% का रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्यों इतना माथा लगाऊंगा, मैं 12% वाला काम करूंगा ना। आप एक चीज समझिए, मैंने किसी को पैसा दे दिया, मैंने 500 करोड़ रुपए किसी को दे दिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, या फिर मैं कोई एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, तो आयरन एंड स्टील करके मेरे को 9% का रिटर्न आ रहा है, मैं पूरा दिन बिजनेस करूंगा, अपना लेबर लगाऊंगा, मेरा खुद का मेहनत है, ठीक है, मैं सब कुछ करूंगा, मेरे को 9% का रिटर्न आएगा, तो मैं कौन सा करूंगा, मैं ये करूंगा ना भाई, बाय कॉस्ट ऑफ फंड्स आई मीन दिस। ठीक है, जो कि पैसा मेरा है लेकिन फिर भी मैं उसको किसी को दे सकता हूं ना, तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि दे के फायदा हो रहा है कि कोई प्रोजेक्ट करके फायदा हो रहा है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट करना है तो इसको तो बीट करना ही पड़ेगा, जो कि मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स है, जो कि मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स है। बहुत सिंपल समझा रहा हूं एकदम। हम लोग ये सोचते हैं मेरे पास में मान लो 10 लाख रुपया है तो ये पैसा मेरा हो गया, नहीं, इसका भी एक कॉस्ट है, आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए तो वो आपको रिटर्न कमा के देगा, मान लीजिए 6% का रिटर्न है FD का, सीनियर सिटीजन के लिए 6.5-7 है। ठीक है, तो हमेशा फंड है तो उसका कॉस्ट भी है, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, आपको क्वेश्चन बहकाएगा, बोलेगा उसका खुद का पैसा है तो बोले काहे का कॉस्ट, नहीं कॉस्ट है, कॉस्ट है, वो पैसा मैं किसी को दे सकता हूं ना। ठीक है, तो ये अगर मेरे को प्रोजेक्ट करना है तो ऑब्वियस बात है इनको मेरे का कॉस्ट ऑफ फंड्स को तो बीट करना ही पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, मान लेते हैं टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेरा जो IRR है, व्हाट डू यू मीन बाय IRR, मैंने अभी जस्ट बताया IRR का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट कितना रिटर्न कमा के देगा, प्रोजेक्ट मेरे को कितना रिटर्न कमा के देगा। तो मान लेते हैं
जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मेरे को 20% का रिटर्न कमा के देगा। एंड मैंने जो इसमें पैसा लगाया है 500 करोड़ रुपया, वो पैसा मेरा खुद का था, लेकिन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं मार्केट से बोरो करता वही पैसा को, अगर मैं मार्केट से बोरो करता वही पैसा को, तो मेरा लगता 14%। ठीक है, तो अब बताइएगा, जो कि ये 20 है तब तो टेक्सटाइल में एक माथा लगाना चाहिए, लेकिन जो कि ये 10 होता तो क्या माथा लगाते या फिर नहीं लगाते? प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा ताकि मेरे को अपना फीडबैक मिले, समझ में आ। तो जो कि मान लीजिए टेक्सटाइल से मेरे को 10% का रिटर्न आता, मतलब मैं 14% में पैसा को बोरो करूं और उससे एक ऐसा प्रोजेक्ट करूं जिससे मेरे को सिर्फ 10% का रिटर्न आ रहा है, तो क्या मैं वो चीज करूंगा? नहीं करूंगा। ठीक है, तो 14% को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, दिस इज माय हर्डल रेट। हर्डल मतलब क्या था? इसको पार करने से प्रोजेक्ट इज डिजायरेबल, वरना द प्रोजेक्ट इज नॉट डिजायरेबल। मजा आ रहा है? अभी मैंने आपको सिर्फ सिंपल सा बात बताया, बहुत बड़े बड़े रियल लाइफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हम लोग को दे दिए जाएंगे और उसका हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा, इसीलिए चैप्टर मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है, एक है पे बैक, एक और मेजर बता रहा हूं, पे बैक, जो पैसा लगाया वो वापस कब तक आ जाएगा? पे बैक, पे बैक। ठीक है, एक है डिस्काउंटेड पे बैक। तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन द टॉपिक प्रोजेक्ट अप्रेजल। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आया, बट हम लोग इन डेप्थ तो उसको करेंगे ही। ठीक है, सो एक चीज जो हम लोग, मैं फिर से जब पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं शायद रिपीट नहीं करूं इस चीज को, एक चीज जो आज हम लोग लेके जा रहे हैं इस, फंड्स का हमेशा एक कॉस्ट होता है, फंड्स का कॉस्ट होता है, चाहे वो मेरा खुद का हो, चाहे वो बोरो की है, तब तो समझ में आ ही रहा है, सर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, बोरो की है तब तो कॉस्ट है, लेकिन अगर मेरा खुद का पैसा है तो भी उसका एक कॉस्ट है ना, बिकॉज अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो उसको कहीं लगा सकते हैं, किसी को बोरो लेंड कर सकते हैं, बोरो बोल रहा हूँ मुझे, लेंड कर सकते हैं, तो वो मेरे को इंटरेस्ट देगा। तो जनरली क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका खुद का पैसा है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स एक बार के लिए मान सकते हैं। ठीक है, बाकी तो सब में जनरली मेंशन किया ही जाता है, रियल लाइफ में भी मतलब वो सब होता है। ठीक है, तो फंड्स का लेकिन हमेशा एक कॉस्ट है। ओके, नेक्स्ट बॉन्ड्स। बॉन्ड का मतलब पता है क्या होता है? लोन। नाम देखिए कितना बड़ा दिया है, बॉन्ड, ऐसा लग रहा है क्या पढ़ने वाले। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ लोन अग्रीमेंट। मैंने मेरा पैसा आईटीसी को दिया है, मैंने मेरा पैसा आईटीसी को दिया है, तो आईटीसी मेरे को एक बॉन्ड देता है, आईटीसी मेरे को एक बॉन्ड देता है जिसमें को लिखा रहता है कि प्रवीण पटवारी ने मेरे को इतना रुपया दिया है, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतने साल के बाद उसको पैसा दे देंगे, इंटरेस्ट कब कब मिलेगा, एवरीथिंग इज रिटन। सो बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट, बेसिकली लोन अग्रीमेंट। ठीक है, तो बॉन्ड्स जो है इसका वैल्यूएशन होता है, प्राइसिंग होता है। मान लीजिए क्या होता है, सबसे पहले जो बताना चाहूंगा, रेटिंग होता है बॉन्ड्स का ना, रेटिंग होता है। बॉन्ड्स का रेटिंग होता है एक, तो बॉन्ड्स का रेटिंग से क्या मतलब है, बॉन्ड्स का रेटिंग से क्या मतलब है, जैसे हो सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रहा है तो उसका रेटिंग होगा AAA, हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज इशू कर रहा है तो उसका रेटिंग होगा A, एंड ये जो रेटिंग देते हैं उसके लिए एजेंसीज है, रेटिंग एजेंसीज है, फॉर एग्जाम्पल मूडीज, फिच, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, जो कंपनी का पूरा फंडामेंटल स्टडी करके बताती है कि ये बॉन्ड कितना रिस्की है या फिर कितना रिस्क फ्री है या फिर इसमें रिस्क का लेवल क्या है। कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे, कंपनी में प्रायर डेट क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी का मोटो क्या है, कंपनी के रेवेन्यू क्या है, डिफरेंट रेशियोज एंड ऑल सब कुछ स्टडी करके वो लोग बताएंगे कि ये बॉन्ड कैसा है, मतलब व्हाट इज द लेवल ऑफ रिस्क। अगर मान लीजिए विजय माल्या बॉन्ड इशू करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली 30% होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की है। तो रिस्की, अगर मैं कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसके लिए मेरे को रिटर्न भी ज्यादा चाहिए होगा, करेक्ट? अगर मैं कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मेरे को रिटर्न भी तो ज्यादा चाहिए होगा ना। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, इसको कॉपी कर लेना।
जैसे जैसे मेरा रिस्क का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे को रिटर्न भी ज्यादा चाहिए होगा. दिस इज जनरल नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स. दिस इज जनरल नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स. अगेन इन द टॉपिक बॉन्ड्स, लाइक अगेन इन द टॉपिक बॉन्ड्स, लाइक एक आपका है नॉर्मल बॉन्ड्स, लाइक उसका अग्रीमेंट मैं आपको एक बार एक तो एग्जांपल देके समझाता हूँ उसमें कैसे टाइप का रहता है. उसमें रहेगा जैसे मान लीजिए पीपी. पीपी ने आईटीसी को 10,000 रुपये दिया है. पीपी ने आईटीसी को 10,000 रुपये दिया है. आईटीसी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. 10% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 5 ईयर्स का ये लोन है. मैंने 5 साल के बाद में आईटीसी पीपी को पैसा वापस कर देगा. तो इसका अगर मैं बनाऊंगा एंड जो इंटरेस्ट है वो ईयरली पे होगा, जो इंटरेस्ट है वो ईयरली पे होगा. तो अगर मैं इसका एक टाइमलाइन बनाऊं तो क्या आएगा इसके टाइमलाइन में, बताइएगा थोड़ा इसके टाइमलाइन में क्या आएगा. आज पीपी के पॉकेट से 10,000 रुपये चला गया. 1 साल के बाद में पीपी को 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपया, मतलब 1,000 रुपया इंटरेस्ट का मिलेगा. फिर टाइम टू पे भी 1,000 रुपया इंटरेस्ट का मिलेगा. फिर टाइम थ्री पे भी 1,000 रुपया. फिर टाइम फोर पे भी 1,000 रुपया. और टाइम फाइव पे 1,000 रुपया इंटरेस्ट का तो मिलेगा और जो पैसा वापस दिया था वो भी तो मिलेगा. पैसा वापस बोल रहा हूँ, पैसा जो दिया था वो भी तो वापस मिलेगा. तो दिस इज द कैश फ्लो ऑफ दिस बॉन्ड. इसमें किसी को भी दिक्कत है? बहुत टफ चीज पढ़ा दी ऐसा लग रहा है. क्या है? कुछ भी नहीं है. इसी का बोलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह दे देगा और बोलेगा प्राइस निकाल के दिखाइए, या फिर प्राइस दे देगा बोलेगा इंटरेस्ट रेट निकाल के दिखाइए. ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. कुछ हल्का उसमें टैक्स का एडजस्टमेंट करने बोलेगा क्योंकि मैंने किसी को लोन दिया उससे मेरे को इंटरेस्ट का इनकम आ रहा है तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा. ठीक है. मैंने और एक टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स, और एक टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स. तो ये कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? मैंने घर लिया 1 करोड़ में, मैंने घर लिया 2 साल के बाद में मैंने उस घर को, ये मैंने बाय किया है, अब 2 साल के बाद में मैंने इसको बेच दिया 2 करोड़ में. तो घर एक कैपिटल एसेट है. कैपिटल एसेट के बेचने पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स. तो यहां पर मैंने बाय किया था 1 करोड़ में, सेल किया 2 करोड़ में. तो व्हाट इज माय कैपिटल गेन? इज इट 2 करोड़ और इज इट 1 करोड़? इट इज 1 करोड़. कैसे? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करोड़. 1 करोड़ इज माय कैपिटल गेन. अब मान लेते हैं सरकार बोलती है कि जितना भी आपको कैपिटल एसेट को बेचने में फायदा हो रहा है उसका 20% मेरा. तो 1 करोड़ का 20% कितना हो गया? 20 लाख. तो 20 लाख क्या लग गया मेरा? कैपिटल गेन टैक्स. कैपिटल गेन पे लगता है बेटा, सेल पे नहीं लगता है. मतलब आप लोग ये मत सोचिए कि 2 करोड़ में बेचा तो 2 करोड़ का 20% सरकार का, कहे का नहीं. कैपिटल गेन बताइए ना कितना हुआ है. तो ये सब टाइप के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, समझना ना. तो कैपिटल गेन एक हुआ. कैपिटल एसेट्स के बेचने पे जो टैक्स लगे उसको बोलेंगे कैपिटल गेन टैक्स. अब ऐसा भी तो हो सकता है 1 करोड़ में खरीदा था और 50 लाख में बेचा, तो अब तो कैपिटल लॉस हो गया, तो क्या सरकार मेरे को टैक्स देगी? नहीं. सरकार क्या बोलती है? गेन हो तो दे देना, वरना मांगने कुछ मत आना लॉस हो तो. एंड देर आर फ्यू मोर प्रोविजंस, देर इज सेट ऑफ एंड ऑल, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने लॉस में बेचा मेरे को कैपिटल लॉस हुआ तो मेरे को टैक्स मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है. गेन हो तो देना पड़ेगा, लॉस का देर आर प्रोविजंस जो हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. तो बॉन्ड्स में ये होता है. जनरली 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपको बॉन्ड्स में देखने को मिलेंगे. एक जैसे ये जो कैश फ्लोज मैंने निकाला है ना, कैश फ्लोज मैंने, अब आपको बोल देगा प्राइस दे देगा बॉन्ड का. बॉन्ड्स कभी मार्केट में ट्रेडिंग होता है, खरीदा बेची होता है.
तो आपको बॉन्ड का प्राइस दे देगा और बोलेगा इंटरेस्ट रेट निकाल के दिखाइए जो इन्वेस्टर इस बॉन्ड में कमाएगा। और एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग को प्राइस निकालना होता है, इंटरेस्ट रेट दे देता है, या तो प्राइस निकालने बोलेगा या फिर इंटरेस्ट रेट निकालने बोलेगा। अगेन एक और टाइप का बॉन्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स लिंक बॉन्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स लिंक बॉन्ड। व्हाट इज इंडेक्स लिंक बॉन्ड? इंडेक्स लिंक बॉन्ड मतलब बॉन्ड का जो कैश फ्लोज है वो इन्फ्लेशन के साथ में लिंकअप हो जाता है। इंडेक्स लिंक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जो बॉन्ड का जो कैश फ्लोज है ना वो इन्फ्लेशन के साथ में लिंकअप हो जाता है। इन्फ्लेशन के साथ में लिंकअप का मतलब पता है क्या होता है? मान लेते हैं कि इस साल में इन्फ्लेशन हुआ है 4%, ठीक है, इस साल में इन्फ्लेशन हुआ है 4%, तो मेरा जो कैश फ्लो है ना वो भी 4% से बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ लिंकअप करके मेरे को कैश फ्लोज मिलते हैं इस टाइप के बॉन्ड्स में। ये क्यों इशू होता है? क्योंकि हम लोग को इन्फ्लेशन के साथ प्रोटेक्शन मिले, इन्फ्लेशन का प्रोटेक्शन मिले, इसीलिए ये बॉन्ड होता है। तो इस टाइप के बॉन्ड्स का भी हम लोग को वैल्यूएशंस एंड प्राइसिंग करना पड़ेगा। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या तो बोलेगा प्राइस निकालो या फिर बोलेगा यील्ड। यील्ड इज द वर्ड दे यूज, वो लोग एक वर्ड यूज करते हैं YIELD, यील्ड वो लोग यूज करते हैं। यील्ड मतलब इंटरेस्ट रेट निकालने बोलते हैं, अलग अलग टाइप के नाम है, यील्ड मतलब ही इंटरेस्ट रेट निकालने बोलेगा। सो बॉन्ड्स अगेन बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही रियल लाइफ रिलेटेड टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ के भी बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला टर्म स्ट्रक्चर, वाह वाह वाह, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये टर्म स्ट्रक्चर। सो टर्म स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जब आप बैंक में जाते हो, मान लीजिए आप बैंक में जा रहे हो, वहां पर आपको ऐसे दिखाएंगे, वहां पर आपको कुछ ऐसे दिखाते हैं, बोलते हैं कि अगर आप 0 to 14 days इन्वेस्ट करोगे तो आपका रेट होगा मान लीजिए 2.5% पर एनम, बता रहा हूँ सारा पर एनम रेट्स है। अगर आप अप टू 3 months इन्वेस्ट करेंगे, लाइक 15 days अप टू 3 months, तो आपका रेट होगा 3%। अगर आप 3 महीने से ज़्यादा और 6 महीने तक करेंगे तो आपका रेट होगा 3.5%। देखिए टर्म मतलब क्या? टाइम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है डिपॉजिट का, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? टर्म के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, इसको बोलते हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। टर्म के साथ इंटरेस्ट रेट्स कैसे बदल रहा है वो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो टर्म के साथ में जब इंटरेस्ट रेट्स बदलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ओके, सो ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक और पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? मान लेते हैं RBI का पॉलिसी आता है कि इंटरेस्ट रेट 0.5% से बढ़ जाएगा, और जो रेपो रिवर्स रेपो होता है, इंटरेस्ट रेट 0.5% से बढ़ जाएगा, और मेरे कुछ एसेट्स हैं और मेरे कुछ लाइबिलिटीज हैं, तो ये जो इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है ना उसके वजह से मेरे एसेट के वैल्यूज में और लाइबिलिटीज के वैल्यूज में, दोनों वैल्यूज में चेंज होता है। अब मेरे को घबराहट पता है किस चीज का होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ तो गया, घबराहट किस चीज का होगा पता है? कि कहीं ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यूज में चेंजेस होगा उससे मैं एक ऐसे परिस्थिति में ना आ जाऊं जहां पर मेरे लाइबिलिटीज का वैल्यू ज्यादा हो जाए एसेट से। आप समझ पा रहे मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मतलब मान लेते हैं आज के दिन पे मेरा एकदम बैलेंस सिचुएशन था, 1 करोड़ का एसेट एंड 1 करोड़ का लाइबिलिटी, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। आप जब कंपनी का करते हो, बैलेंस शीट करते हो ना, तो बैलेंस शीट में क्या होता है? दोनों साइड मैच होता है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है फिर घटता है, देयर इज अ स्मॉल चेंज इन इंटरेस्ट रेट, तो उसके बढ़ने या फिर घटने से आपके सारे एसेट्स पे और लाइबिलिटीज पे इंपैक्ट आएगा। डर इस चीज का नहीं है कि इंपैक्ट आएगा, डर किस चीज का है? कि कहीं लाइबिलिटीज का वैल्यू ज्यादा ना बढ़ जाए एसेट से,
उस केस में देयर इज अ मिसमैच एंड मैं एक डेफिसिट के सिचुएशन में चला जाऊंगा, मैं एक डेफिसिट के सिचुएशन में चला जाऊंगा। मान लेते हैं एसेट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो मान लेते हैं एसेट का वैल्यू गिरता है 500 से, एसेट का वैल्यू गिरा 500 से और 1000 रुपए से लाइबिलिटी का वैल्यू गिर गया, तो इस केस में मैं डेफिसिट में चला गया ना। आई एम जस्ट सॉरी भूल से बोल दिया, 1000 रुपए से एसेट का वैल्यू गिर जाता है और 500 रुपए से लाइबिलिटी का वैल्यू गिरता है। जनरली क्या होता है, देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप। क्या होता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्रेजेंट वैल्यू गिरता है, ऐसा रिलेशन होता है। मतलब ये हम लोग आगे जाके स्टडी भी करेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्रेजेंट वैल्यू गिरता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एसेट एंड लायबिलिटी दोनों का वैल्यू गिरना चाहिए। अब गिरावट हो तो ठीक है, डर किस बात का है, देखिएगा डर किस बात का है कि कहीं एसेट का वैल्यू ज्यादा ना गिर जाए लायबिलिटी के वैल्यू से। तो मैंने क्या बोला, एसेट का वैल्यू इज फॉलिंग बाय 1000 एंड लायबिलिटी का वैल्यू इज फॉलिंग बाय जस्ट 500। तो इस केस में क्या हुआ, मेरा एसेट का वैल्यू तो ज्यादा गिर गया, लायबिलिटी का वैल्यू थोड़ा गिरा। तो इस केस में मैं कौन से सिचुएशन में आ जाऊंगा, डेफिसिट के सिचुएशन में मैं आ जाऊंगा। तो ऐसा सिचुएशन ना अराइज हो इसके लिए एक इम्यूनाइजेशन थ्योरी निकला। व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट में स्मॉल चेंजेस हो, अगर इंटरेस्ट रेट में स्मॉल चेंजेस हो तो मेरा जो फंड है वो इम्यून रहे। मतलब ये जो डेफिसिट टाइप का सिचुएशन नहीं आए, सरप्लस टाइप का सिचुएशन आए, आए तो भी ऐसा सिचुएशन आए, ठीक है। रेडिंगटन ने ये फॉर्मुलेट किया था, विल जस्ट स्टडी दैट इन डेप्थ। उसके कुछ कंडीशंस है जो अगर हमारा फंड सेटिस्फाई करता है देन माय फंड इज इम्यून टू स्मॉल चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स में जरा स्मॉल चेंजेस तो मेरा ये जो फंड है ये इम्यून रहेगा। लाइक बेसिकली व्हाट वी डील इज अ कंपनी इज हैविंग एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज। इफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस देयर विल बी चेंजेस इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू होगा उसमें चेंजेस होगा। जनरली देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू गिरेगा और अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ता है। अगर मान लेते हैं ये सिचुएशन लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ एसेट एंड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी दोनों बढ़ना चाहिए। डर किस बात का रहेगा, लाइबिलिटी का वैल्यू ज्यादा ना बढ़ जाए एसेट के वैल्यू से, बढ़ेगा तो दोनों ही। लेकिन अगर मान लीजिए लाइबिलिटी का वैल्यू ज्यादा से बढ़ जाएगा देन आई विल मूव टू अ डेफिसिट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। मेरा कंसर्न ये है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो दिस वॉज अ ब्रीफ ओवरव्यू, लाइक जहां पर मैंने कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए। लाइक एक रेटिंग वाला बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रियल लाइफ है, जैसे मूडीज है, फिच है, ये कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करके उनका रेटिंग करते हैं कि कंपनी कितना स्ट्रांग है या फिर कंपनी कितना वीक है। आज मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो उसका क्रेडिबिलिटी चेक करना पड़ेगा ना, कि सामने वाले का चुकाने का औकात है कि नहीं है, उसका अर्निंग्स है कि नहीं है, पैसा डुबा देगा क्या, ठीक है, उसके एसेट्स क्या है, सिक्योरिटी क्या दे रहा है मेरे को, हर चीज देख के मैं सामने वाले को लोन देता हूं, ठीक है। आजकल ना आपने सुना होगा, एक आपको मेल में भी आता होगा, उसका बहुत फेमस उन्होंने बना रखा है, चेक योर क्रेडिट स्कोर। व्हाट इज दिस क्रेडिट स्कोर, अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है ना तो आपको लोन मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। एक बोलते ना क्रेडिट स्कोर चेक करिए, क्रेडिट स्कोर चेक करिए, दिस इज द क्रेडिट स्कोर वाला थिंग, ठीक है। मैंने फिर आपको यह समझाया, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। अगर आपसे मैं पूछूं पीरामल वर्सेस नीरव मोदी जी पीरामल वर्सेस नीरव मोदी जी, आप पैसा किसको दोगे? ऑब्वियस बात है पीरामल को, कंपैरेटिवली सेफ है। नीरव मोदी ने जो किया पीएनबी के साथ में उसके बाद थोड़ा वो है। सो अगर मान लीजिए नीरव मोदी अपना बॉन्ड इशू करता है तो जो एकदम रिस्की एवर्स, आई मीन रिस्की जो एवर्स बोलते हैं, बोल से एकदम जो रिस्की इन्वेस्टर्स होंगे ना, जो लोग बोलेंगे अरे लगा दे डबल हो जाएगा पैसा, तो नीरव मोदी जी का जो बॉन्ड होगा वो उन लोगों के लिए होगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी वेरी हाई, मतलब बोलेगा
आज मेरे को 100 रुपये दो, मैं 1 साल के बाद में 150 रुपये दूंगा, कुछ ऐसा टाइप का। द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी वेरी हाई। लेकिन पीरामल नॉर्मल सेफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 रुपया दो, 110 देंगे, या फिर 110 ले लो, या फिर 108, या फिर 109, जो भी, ठीक है। इसमें रिस्क ज्यादा है, नीरव मोदी वाले में रिस्क ज्यादा है, इसलिए रिटर्न भी ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की है। और जो रिस्क एवर्स है, जो नॉर्मल रैशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग इसी टाइप की चीज में इन्वेस्ट करेंगे। अनिल अंबानी वर्सेस मुकेश अंबानी, अगर अनिल अंबानी पैसा मांगता है तो डेफिनेटली होंगे बहुत सारे रिस्की इन्वेस्टर जो लोग अनिल अंबानी को पैसा देने के लिए रेडी हो सकते हैं, लेकिन दे विल डिमांड अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 30%, 35% पर एनम बोल रहा हूँ, एकदम नॉर्मल बोल रहा हूँ, समझा, कौन सा समझाने के लिए। सो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, इट डिपेंड्स। अगर मैं बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स हूँ, रिस्क एवर्स मतलब फट्टू, मेरा फटता है बहुत, ठीक है। रिस्क एवर्स का मतलब क्या होता है, मैं एकदम पैसा सेफ रखना चाहता हूँ, बैंक में FD, इक्विटीज भी नहीं, बैंक में FD बोल रहा हूँ, बैंक में FD, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में, तो एकदम सेफ रखना चाहता हूँ अपना पैसा को। उसके बाद मान लीजिए किसी कॉरपोरेट को देना, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी को देना, तो उसमें क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हल्का बढ़ेगा। फिर क्या होता है, मान लीजिए आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हो, और एकदम बहुत ज्यादा जो एकदम रिस्की टाइप का आदमी होगा, वो क्या करेगा, ऑप्शंस में इन्वेस्ट करेगा, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करेगा, ठीक है। तो रिस्क एवर्जन पे डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर कैसा इन्वेस्टमेंट्स को चूज करता है, ठीक है। ये मैं आपको लिख देता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को पैसा देना बहुत सेफ है, फिर आएगा किसी कॉरपोरेट को पैसा देना। अब कॉरपोरेट में भी दो चीज हो सकता है, या तो आपका पैसा के अगेंस्ट में आपने सिक्योरिटी लिया, जिसको बोलते हैं सिक्योर्ड, या फिर मान लीजिए अनसिक्योर्ड, ठीक है। एकदम जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड। फिर मान लीजिए आपने इक्विटीज में इन्वेस्ट कर दिया, तो इक्विटीज वॉलेटाइल होता ही है। फिर मान लीजिए आपने ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर दिया, ऑप्शंस मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपका रिस्क एवर्जन कितना है। जो एकदम रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर होगा वो ये सब में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। एंड जो एकदम नॉर्मल माने आपका रिस्क एवर्स होगा, जिसको एकदम लाइक रिस्क पसंद ही नहीं है, वो ये सब में जाएगा, सिक्योर टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज द डिस्कशन ऑन द फर्स्ट पार्ट, दिस वॉज द डिस्कशन ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द CM1 करिकुलम। मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिजेंसीज का, जो टॉपिक है हमारा, दैट इज द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ CM1, कॉन्टिजेंसीज का जो है, so I will continue in the next video on the contingencies explanation। ये मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप लोगों को क्या पड़ेगा, तो आप लोगों को समझ में भी आएगा कि हाँ इंटरेस्ट का चीज है कि नहीं है, बिकॉज बहुत लोग CM1 एज अ फर्स्ट पेपर देते हैं। तो दिस विल हेल्प देम टू हैव अ वेरी गुड ग्रास्प ऑफ व्हाट ऑल टॉपिक्स आर देयर एंड लाइक हाउ विल वी मूव इन द सिलेबस। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।